हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है रूबीनाज किचन में। आज हम बनाएंगे चिली पनीर, जो कि बहुत ही टेस्टी है। जितना सुंदर है उतना ही खाने में अच्छा भी है। ये देखिए इसकी सामग्री। ये मैंने पनीर लिया है आधा किलो, इसे मैंने छोटे स्क्वायर टुकड़े में काट लिया है। ये मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट है एक चम्मच। ये मेरा वेनेगर है एक चम्मच। अब हम लेंगे सोया सॉस दो चम्मच। ये चिली सॉस है दो चम्मच। टमाटो सॉस है दो चम्मच। अब हम सब्जियों को दिखाते हैं, कटिंग करके रखा है मैंने। ये मेरी सब्जियां हैं। मैंने एक शिमला मिर्च ली है, आधा एक छोटा कैबेज है जिसको मैंने आधे कट कर लिए हैं, एक गाजर है, एक प्याज मैंने लिया है जिसका मैंने कटिंग करने के बाद लेयर अलग अलग कर लिया है। देखिए इस तरह से कैबेज का भी लेयर हम अलग अलग कर लेंगे। अब मैंने ये पनीर को मक्खन में फ्राई कर लिया है। ये अजीनोमोटो है। ये नमक है टेस्ट के अकॉर्डिंग। आइए चलिए अब बनाने का तरीका दिखाते हैं हम। ये मैंने पैन में मक्खन मेल्ट करके रखा है। इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये देखिए मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अब इसको हल्का से सौटे करेंगे हम, इसका कच्चापन निकल जाएगा। तब हम सारी सब्जियों को ऐड करेंगे हम इस तरह से। अच्छे से इसका कच्चापन निकाल लें वरना इसकी स्मेल अच्छी नहीं आएगी। अब हम इसमें सारी सब्जियों को एक एक करके ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने प्याज डाला है, फिर मैंने कैबेज डाल दिया। अब हम डालेंगे कैरेट। ये देखिए इसको मैंने चला लिया है ताकि ये जले ना। आंच को मीडियम फ्लेम पे ही रखें, ज़्यादा तेज़ ना करें और ज़्यादा धीमा भी ना करें। ये मैंने गाजर और शिमला मिर्च भी ऐड कर लिया। अब हम इसको हल्का सा चलाएंगे। हल्का सा सब्जी हल्का सा पक जाएगा तब हम इसमें सारे सॉस डालेंगे। ये देखिए मेरे सारी सब्जियां पक चुकी है। अब हम इसमें नमक और अजीनोमोटो डाल दिया। अब हम इसको भी चला के मिला लेंगे वरना एक ही जगह नमक रह जाएगा। अब हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे, जो कि हम आधा अभी ऐड करेंगे और आधा बाद में, ताकि इससे कलर अच्छा आए। अब हम इसमें वेनेगर डाल देंगे। इसमें टमाटो सॉस ऐड कर देंगे करीब दो चम्मच। ये देखिए मैंने दो चम्मच इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिली सॉस, ये भी दो चम्मच हमने ऐड किया है। अब इन सभी को अच्छे से मिला लेंगे। ज़्यादा पकाएंगे नहीं हम सॉस डालने के बाद, फौरन ही हम पनीर इसमें ऐड कर देंगे। सारी सब्जियां और पनीर एक साथ अच्छे से मिला करके हम फ्लेम को बंद कर देंगे और हल्का सा सोया सॉस डाल देंगे जो बचा के मैंने रखा था। इससे कलर अच्छा आएगा और स्मेल भी अच्छी आएगी। ये देखिए मेरा चिली पनीर तैयार हो गया। मैंने प्लेटिंग भी कर दी है। अब हमारे चिली पनीर को आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू फ्रेंड, बाय।